लूट लिया इन लोगों ने, ये सबसे बड़ा लुटेरा ये निकला है। किसान के बुनियादी जो सवाल है उसके फसल को हमी भाव मिले और उनका कर्जा माफ़ी हो, ये दोनों विषय के बारे में पार्लियामेंट के अंदर हमारे किसान सभा की तरफ से दोनों बिल रखा गया है। अभी बिल पेंडिंग है, ये दोनों बिल तत्काल पास करवाए, इसीलिए ये देश के 208 किसान संगठन के लोग यहाँ पे आज जमा हुए हैं। कल से लॉन्ग मार्च निकाल के अभी लोग सारे आ रहे हैं। ये दोनों बिल अगर पास हो जाता है तो किसानों को कुछ ना कुछ अपना अधिकार मिल जाएगा, उसकी खेती को पानी मिल जाएगा। स्वामीनाथन कमीशन के साथ अगर लागू हो जाए तो पानी मिलेगा, बिजली मिलेगा, हमी भाव मिलेगा, तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आमदनी बढ़ती है तो किसान अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकेगा और अपनी बेटियों की अच्छी शादी कर सकेगा। आज यही हालात है, किसान खुद कर्ज के बोझ के तले वो आत्महत्या कर रहा है, बच्चों का पढ़ाई नहीं कर सकता है, बेटियों की अच्छी शादी नहीं कर सकता है। ये आज की हकीकत है और सच्चाई है हिंदुस्तान की। ये बदलने के लिए हम लोग किसान सभा की तरफ से लड़ रहे हैं लगातार। लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, हम लोग फसल हम लोग पैदा करते हैं, भाव वो लगाते हैं जो एसी में बैठे हुए हैं, जिनको ये भी नहीं पता है गेहूँ का पौधा कैसा होता है। जब तक हमारी उचित खरीद की गारंटी नहीं होगी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आए हैं मांग मांगने के लिए आए हैं, गरीब आदमी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, खाना के लिए चाहिए। कर्जे से डूबे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं दिन पर दिन, और सरकार जो है आंख मूंदे बैठी है। महंगाई आली, टंचाई झाली, साकर पळाली कुट, झोपडीत आमच्या दिवा लागेना, राखेल संपलंय कोट, पुढे जगायचा उघड मोट, आमचं चुकतंय कुठं, उठके रे मर्दा कामगार सरदाई, भांडवलशाही गाडू घालू एकीच एकच लात, आमचं चुकतंय कुठं। देश का जो पॉपुलेशन के 70% पूरा किसान है, और तुम अगर 70% लोगों के तरफ दुर्लक्ष करोगे तो आने वाला भविष्य आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके लिए किसान की बात आपको सुनना होगा, किसान के लिए ठोस नीति ठोस धोरण यहाँ पे बनाना होगा। जब तक किसान के बारे में आप नहीं सोच सकते, अपना ही भी भविष्य अंधेरे में है, ये तो आज किसान बताने के वास्ते दिल्ली में आ चुका है। ये कर्जा माफ नहीं हुआ है और किसानों की बहुत सी अड़चन है, फसल नहीं हो रहा है, कोई बैंक लोन देता बोल के दिए नहीं और कर्जा माफ नहीं किए। हमारी लड़ाई जिंदाबाद, 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 स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, कर्जा मुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा जो पैसा स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर जो एरियर बनता है सरकार की तरफ, वो हमारा कर्जे के मार्फत माफ कर दे और आगे से हमारे को फसलों का 1.5 गुना कीमत दे दे। ये दो हमारी डिमांड है। इन डिमांडों के लिए हम किसान संगठन ये चाहते हैं कि एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, उसमें ये प्राइवेट बिल के तौर पर दोनों बिल मान्य किए जाएं और ये हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, नहीं तो हमारे को किसी भी बड़े से बड़े लेवल तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार। क्योंकि बीजेपी सरकार ये नव उदारवादी बाजारवादी जो नीतियां हैं इनके ऊपर चल रही है, और जो नीतियां किसानों के खिलाफ हैं उसको बदलना आज के दिन सब देश के वासियों का पहला सबका फर्ज बन जाता है।
और सरकार देश के जनता का किसान का ध्यान बंटवा रही है, मंदिरों का झगड़ा बीच में ला रही है, गायों का सवाल बीच में ला रही है, जानवर के नाम पे, मंदिर के नाम पे इस देश के लोगों को लड़वा कर फिर से एक बार वो सत्ता हाथ आना चाहते हैं। आज ये सरकार किसानों को क्रॉस करके जा रहा है, ये सरकार से कुछ मिलता ही नहीं किसानों के लिए, 7-12 करोड़ नहीं, कर्ज माफी नहीं, कुछ ही नहीं, ये सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, पूरा तो कभी करती नहीं। ये सब किसान अभी 2019 में ये सरकार को घर बैठा सकती है। एक गाय पशु छुड़वा दिए, वो सब चारा अनाज खा लेते हैं, हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, पढ़ने को पैसा नहीं है, बताओ क्या किया जाए। जो मोदी जी ने वादा किया था उसको मोदी जी को पूरा करना पड़ेगा। सारे झूठे वादे करते हैं, यह बर्दाश्त के बाहर है। ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन या किसान एकता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अधिकारों को मांगने नहीं, अधिकारों को छीनने आए हैं और छीन करके ही जाएंगे या शहीद होकर जाएंगे। हम इस बात से डरते नहीं हैं। नहीं करते तो इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो 2019 में मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का देश से सभा कर दिया जाएगा। ना मानी तो जी अब जैसे और चले गए ऐसे ये चले जाएंगे।